तो ये पॉइंट आया अच्छे समझ में कि अपने पास कोई भी पॉलीगन गिवन हो, रेगुलर हो, ये जरूरी नहीं है, कोई भी अगर अपने को पॉलीगन दे रखा है ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन गिवन है, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना हो जाएगा, एन माइनस टू टाइम्स द 180। ओके सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, सेकेंड पॉइंट इज each interior angle each interior angle of n sided polygon is equals to the n sided polygon hai to interior angles kitne banenge n बनेंगे, और अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें जितने भी टोटल जितना सम हो रहा होगा, जितने भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे होंगे सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल। और टोटल सम अपना कितना हुआ, n माइनस टू टाइम्स 180 डिग्री, दैट मींस ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, n माइनस टू टाइम्स ऑफ 180 डिग्री इज डिवाइडेड बाय n, उसके n इक्वल इक्वल पार्ट करने अपने को, है ना। yes. तो लिख लिया अपन ने ईच इंटीरियर एंगल of n-sided regular polygon is equals to the n minus 2 times 180 degree is divided by n, where n is the number of sides, okay? Yes sir. For example, अगर अपन बात करें equilateral triangle की, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स जी 180 इज डिवाइडेड बाय जी, एन का वैल्यू पुट कर देंगे अपन कितना, 3, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कितना हो जाता है, 60 60 60 तो रहता है बेटा। यस सर। यस। ओके, अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें, 4 साइडेड, 4 माइनस 2 180 इज डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 360 बाय 4 is equals to 90 degree. The four sided regular polygon kya hota hai apna, square hi to hota beta. Yes sir. Okay, to ye kitna ho jayega, 90 90 90 ho jayega. Is that clear? Yes sir. Jaldi se note down karo beta. Sir done. Done? Yes, sir. Yes, sir. So next question again. In the given figure, ABCDEF is a regular polygon and the angle AOF is equals to 90 degree and FO is parallel to ED. What is the ratio of the triangle AOF to regular polygon
जल्दी से फाइंड आउट कर डालो। So done. So done. बेटा सो 1:12 और 1:8 सो 1:12 So 1:8 answer is. Let the side length of this regular polygon is x. Is that clear?
यस सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। नो सर। बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है सर। बहुत ज्यादा लाइट आ रही है। लो आ रही है। यस सर। यस सर। चलिए बेटा सर। 1:12 आया। यस बेटा। सर 1:12 आया है। 1:12 आया क्या? यस सर। बिल्कुल एकदम करेक्ट है बेटा। चलिए तो अब अपने को देखना ये कि पाइथागोरस या जो भी अपने पास फंडामेंटल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपन क्या करने वाले हैं। ये लेंथ और ये वाली लेंथ फाइंड आउट करने वाले हैं। या तो ये दोनों लेंथ फाइंड आउट कर लो या फिर एफ ओ ये लेंथ फाइंड आउट कर लो और ये वाली ये जो कंप्लीट लेंथ है ये वाली फाइंड आउट कर लो। ओके उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें देखना है कि इसका जो भी टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ की सेंटर कंसीडर करो इसका और सेंटर कंसीडर करने के बाद ये क्या बन जाएंगे अपने पास ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 टोटल 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगे ऑफ साइड लेंथ x तो उसका टोटल एरिया हो जाएगा और देन उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे इस वाले ट्राइंगल का एरिया कंसीडर करेंगे इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा देन उसके बाद उसका क्या कर देंगे अपन रेशियो निकाल लेंगे। ओके तो इसको एक बार के लिए खुद से करके ट्राई करना फिर भी अगर नहीं हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके सर। यस सर। इसके साथ ही साथ और होमवर्क के लिए तुम्हारे पास आ जाएगा द डीपीपी नंबर 3। ओके ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। यस सर। ओके बेटा तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो मस्त रहो व्यस्त रहो बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। ओके ओके यस सर। ओके बेटा बाय बाय सर। बाय सर।